Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. कार्तिक, ए कार्तिक, हैं? ये क्या हो रहा है? हैं? कार्तिक, हाँ, बहू को देखा? हाँ माँ जी, इतनी सुंदर है ना, साक्षात लक्ष्मी, बहुत सुंदर है। जा, जा जा अपना काम देख। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक, कार्तिक तू कहाँ था? घर में ये सब क्या हो रहा है? हमारे रंजू की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है। बहू आई है? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी? नहीं नहीं, चलो कमरे में चलो, आ चलो, हटो हटो हटो, जाने दो इन्हें। आओ बहू, आओ मेरी प्यारी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। ये देखो मेरे माँ और पिताजी, बचपन में ही ये दोनों गुजर गए और उसके बाद से मैं दादी, ताई और ताऊजी, चाचा और चाची इनके पास पला बढ़ा। और ये? ये मेरे बड़े ताऊजी हैं। बचपन से उनको देखा है कि वो थोड़े से अलग हैं, ज्यादा किसी से मिलते नहीं, अपने में ही रहते हैं। छोटे चाचा और छोटी चाची। छोटे चाचा वैसे थोड़े से रंगीन हैं, बस एक ही बुराई है, अक्सर रात को घर नहीं लौटते। वैसे छोटी चाची से तुम्हारी अच्छी जमेगी। तुम्हारे पति देव अभिनेता है और इनका असली परिचय जानती हो क्या? एक आदर्श प्रेमी। अरे सुनो तो, बत्ती बुझा दूं? नहीं। क्या?
बारिश हो रही है। अच्छा, नहीं तो हो रही है। सुनो, पूरी रात समंदर के किनारे तुमने लहरों की आवाज सुनी है? मुझे अभी वो आवाजें आ रही है। चंद्रमुखी, मुझे मत छुओ, अभी मैं होश में हूं। मैं बस जानता हूं कि मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूं और जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा, और कोई चारा नहीं। क्या ये तुम समझोगे? लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहां सबके सामने पी कर आया हूं। ऐसी जगह दुनिया में और कहां जहां के लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे। लांछना, चार गलत बातें, अपमान, अत्याचार, झगड़े, औरतें कितना। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात हो गई? बाबा, इतने दिन हो गए तुम्हें डायलॉग्स याद नहीं हुए? तुम भी तो तब से तीन शब्दों में अटकी पड़ी हो, इसको पूरा कब करोगी? देव बाबू, कसम खाइए, आप कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे? हर काम क्या हर कोई कर सकता है? क्यों नहीं, तो फिर चलो, भाग चलो मेरे साथ। देव बाबू, तुमसे भी नहीं होगा और मैं भी शराब नहीं छोड़ने वाला। जाओ पारो, अपने घर चली जाओ। पार्वती, इतनी खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे गुरूर बढ़ता है। चांद इतना खूबसूरत है इसलिए उसमें इतने दाग हैं। आओ, उस चांद की तरह मैं तुम पे भी दाग लगा दूं, क्योंकि ये चेहरा तुम हर रोज आईने में देखोगे ना। सुन, क्या हुआ? कहाँ रहता है तू? उस बगीचे के पीछे। तेरा नाम क्या है? गुंडा। गुंडा, आप मेरे साथ खेलोगी छुपन छुपाई? चल। चलिए। तुझसे क्या मैं दौड़ कर जीत पाऊंगी? अरे रुक जा। बाप रे, ये लीजिए अमरुद खाइए। देख कैसा है, मीठा है ना? वो जो लक्ष्मी जी का मंदिर है ना, वहाँ पर रोज एक उल्लू आता है। तूने देखा है? हाँ, बहुत बार। वहाँ पर माँ लक्ष्मी है ना, इसलिए आपके पास इतना पैसा है। ऐसी बात है। राजू, राजेश्वरी, जरा मेरा सर दबा दो राजेश्वरी। गुस्सा हो क्या? चंपा बाई के कोठे में गया था इसलिए गुस्सा हो? बस, ये तवायफ ववायफ सब बेकार है। तुमसे ज्यादा
अनमोल और कौन है बताओ? वो तो दिन में और रात में। मुझे जरा सोने दो। सीताहार या चंद्रहार? क्या चाहिए बोलो, सीताहार या चंद्रहार? अच्छा, इसका मतलब वो मुकदमा आप जीत गए? हाँ। क्या चाहिए? क्या दोनों ही चाहिए, एक मेरे लिए और एक बेटी के लिए। उसे कुछ न कुछ तो देना ही होगा। अरे सिर्फ गहने क्यों, सब कुछ देना होगा। मेरा नाम है व्रज बल्लभ राय। ऐसी चाल चलूंगा कि बीना का पति उसके पैर पकड़कर वापस ले जाएगा। जब आएगा तब आएगा, पति के बाद औरतों को गहने ही पसंद है। ऐसा है क्या? अगर पति ही औरत का गहना है तो तुम्हारे लिए मैं हूँ ही ना। तुम चिंता मत करो, बीना की सारी जिम्मेदारी मेरी। कार्तिक, तंबाकू दे जा रहे। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहे गुंडा? अरे सुन यहाँ। अरे 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 रुक रुक, तुझे पकड़ती हूँ। अरे कहाँ जा रहे तू? अभी पकड़ती हूँ तुझे, रुक। आप बचकर कहाँ जाएगा? पकड़ लिया। छोटी मालकिन, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या लाना पड़ेगा, बोलिए। मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? नहीं। क्यों? क्यों, वो सांप के सरदर्द की दवा वो तो लानी होगी ना? हाँ वो लानी है। वो लानी है? और वो आपके लिए वैजी ने जो दवाई? नहीं वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ठीक है, तो फिर और क्या क्या चाहिए बताइए। आलता, सिंदूर, टमाटर? मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? नहीं। हाँ सुनो, अगर कोई शहर गया तो? गया तो मतलब मैं किस लिए हूँ? बोलिए क्या क्या लाना है, बोलिए। किताबें। किताबें? हाँ, मन्नू के लिए, उसे दूंगी, उसे पढ़ना बहुत पसंद है। आज हो या कल हो। ठीक है ठीक है, बोलिए कौन कौन सी किताबें। बंकिम चंद्र की किताबें, जितनी हो सके। बंकिम चंद्र की? हाँ, 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 तुमने पढ़ी है? मैंने नहीं, मेरी बीवी ने। मेरी बीवी जो है ना, सारी किताबें धड़ाधड़ फटाफट पढ़ लेती है। अरे वाह, पर तुम्हारी बीवी आजकल आती क्यों नहीं? आने के लिए कहना। हाँ जरूर कहूंगा। बंकी, ठीक है, याद रहेगा। क्यों बुला रहा है मुझे? हाँ? हरि, हरि, ए हरि, हरि, ए हरि, हरि, ओ पान का डब्बा दे तो। ये क्या, तू क्यों? हरी कहाँ है? हरी कहाँ है? इस घर में नौकर चाकर का काम बहुएं नहीं करती। दोपहर के वक्त यहाँ वहाँ नहीं घूम के मेरे पास आकर सो जाना। नहीं दीदी, दोपहर में मुझे नींद नहीं आती। बहुत बढ़िया, जो मर्जी कर, मैं सो जाती हूँ। वो जो नई बहुरानी, दिखने में वो माँ लक्ष्मी जैसी और बर्ताव भी वैसा ही है, लेकिन देख छोटी बहू की कोई डिमांड नहीं। नहीं 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 नहीं,
कौन है वहाँ पे? भागो 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 भागो। दोपहर को पेड़ पे रुक रुक भाग तक इधर है। भागो 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 भागो। जाएगा कि नहीं? भागो 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 भागो। ये है सबसे बड़ा बदमाश। चलो सब बदमाश कहीं के स्कूल से भाग के अब इस बगीचे में आके बदमाशी चल रही है। चलो स्कूल से भागने की तुम लोगों को सजा मिलेगी। हाँ कड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम लोगों को आज भूगोल पढ़ाऊंगा। चल बता भारत के उत्तर में क्या है? क्या 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 क्या? उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। अच्छे से पढ़ाई कर। उत्तर दक्षिण पूर्व नहीं पूर्व पश्चिम ईशान नैरित ऊपर नीचे अच्छे से पढ़ना। अच्छा भारत के नैरित में क्या है? नैरित? अरे नैरित रे बाबा, नैरित नहीं पता। नैरित नहीं पता। पकड़ो सब अपने कान, पकड़ो अपने कान। बदमाश कहीं के, ए गुंडा तेरे गुलल में पत्थर है ना, किसी ने भी हाथ हटाया तो सीधा दाग देना, खोपड़ी बिल्कुल फोड़ देना। रोज रोज स्कूल से भागना, कुछ कहता नहीं हूँ तभी हाँ बदमाश। हरी भैया क्या बात है? हरी भैया कुछ नहीं बहुरानी, इन स्कूल से भागे हुए बच्चों को थोड़ा भूगोल पढ़ा रहा था, मतलब सजा दे रहा था। ठीक है ठीक है, इन लोगों को मैं देखती हूँ, आप जाइए। ठीक है। भूगोल पढ़ रहे थे? ठीक है, मेरी एक पहेली का उत्तर दे दिया तो आज के लिए छुट्टी। तुम लोग सब स्कूल से भाग कर आए हो? को कैसे बुलाते
वो नई बहू रानी रोज दोपहर को पीछे के बगान में इधर उधर घूमती रहती है और उस माली के बेटे के साथ जैसे दोस्ती कर लिया है। तुम चुप रहो, अभी वो बच्ची है। आप जो भी कहो, जमींदार घर का नियम नहीं जानती, ये कैसी लड़की है? आप लोग इतनी दूर से लड़की लेके आए, क्यों? यहाँ क्या लड़कियों की कमी थी? अब तुम सोने दोगी या बकबक करती रहोगी? कहाँ थी तू इतनी देर? चाची जी, आप मेरे सामने घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ले तेरी किताब, बैठ। इस घर में किसी को पढ़ाई की आदत नहीं है, तू ही सबसे अलग है। तू अपने भैया के पास पढ़ती थी, है ना? माँ के गुजर जाने के बाद पापा हमेशा बाहर ही रहते थे। कुछ दिन बाद पापा भी गुजर गए, तब से भैया ने ही मुझे पाला है। तीन महीने में तीन लाइनें, मेरी हर बात को मानकर खिलेंगे फूल खिलेंगे। तू आ गई है, शायद अब सब ठीक हो जाए। अच्छा, मुझे क्या कह के बुलाएगी तू? माँ, छोटी माँ। बोल, छोटी माँ। क्या हुआ, नहीं बुलाएगी? छोटी माँ, मेरी बेटी। हाँ, वो सुप्रभा की माँ, उसे तूने इस महीने का खर्च दिया है तो? नहीं माँ, दिया नहीं है, पर दे दूंगा। माँ, मैं कह रहा था कि इतने सारे फालतू लोग और कितने दिन तक पालोगी? तुम लोग क्या समझोगे, तुम लोग तो सिर्फ मुकदमे के बारे में ही जानते हो। पैसों की ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तेरे पिताजी कहते थे असली ताकत लोगों में होती है। अच्छा, तू अपने भैया की सलीमपुर के जमीन के बारे में क्या बता रहा था? कह रहा था कि उस जमीन को लेकर अभी बहुत मामला मुकदमा होगा और भैया तो कोर्ट वगैरह भी नहीं जा पाएंगे। अगर मेरे नाम पर कर दोगी तो कैसा? अकेले इतनी बड़ी जायदाद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। दान कर दूंगा, सब दान कर दूंगा माँ, सब कार्तिक के नाम कर दूंगा, समझी? लेकिन ये दूरबीन नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं तो सब पर नजर कैसे रखूंगा? बेटा कमरे में जाओ। कार्तिक, कार्तिक। अभी आया माँ जी। इसे दवा खिला दे। नहीं माँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई खाने से मुझे नींद आती है, बहुत काम करना है। चलिए बड़े मालिक, जब माँ जी कह रही है तो चलिए दवाई खा लीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, जा। मैं मिठाई खाऊंगा। ए, मैं मिठाई खाऊंगा। चलिए बड़े मालिक, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। माँ, ना हो तो स्टेट से भैया के लिए हर महीने कुछ पैसे जमा करवा दूंगा। ये मामला मुकदमा करके तुझे क्या मिलता है बोल तो? तेरे पिताजी जिंदा रहते तो सब कुछ संभाल लेते। पर अभी वक्त बहुत अच्छा चल रहा है माँ, ये मुकदमा हम ही लोग जीतेंगे। तुमने देखा ना, गोविंदपुर का मामला हमने कैसे जीत लिया। रंजू की बीवी साक्षात लक्ष्मी है। अरे छोटे, हाँ? तेरी बीवी रोज लक्ष्मी की पूजा करती है तो? हाँ, वो करती है। उसके बाल बच्चे नहीं है अगर वो पूजा? रंजू की बीवी साक्षात लक्ष्मी है, अब से लक्ष्मी माँ की पूजा वही करेगी। कहाँ जा रहे हैं कार्तिक चाचा? बड़े मालिक को खाना देने जा रहा हूँ। मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। सब कहते हैं बड़े मालिक पागल हैं। अरे, अगर पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे रहे तो उसे पागल कहते हैं? क्या बताऊँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ? मैं सब जानता हूँ, मैंने बचपन में उन्हें अपनी गोद में खिलाया है, रात दिन देखभाल की है। वो पागल है कि नहीं मैं जानता हूँ।
बड़े मालिक, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। बड़े मालिक, इस कमरे में तो कोई नहीं आता। इतने दिनों बाद आप ही आई हैं। बहुरानी, आप थाली नीचे रख दीजिए। अच्छा बोलो तो कमल के ऊपर कौन विराजमान रहती हैं? लक्ष्मी माँ। नहीं नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। कमल के ऊपर विराजमान रहती हैं कमला। मनु, मनु तू कहाँ गई? मैं जाऊं? दोबारा नहीं आओगी? आऊंगी। आपने मुझे बुलाया छोटी माँ? हाँ, कहाँ गई थी? ताऊजी के कमरे में। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन जेठ जी तो किसी से बात नहीं करते। उन्होंने तुझसे बात की? हाँ। अजीब बात है, उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है। अच्छा, तुझे जादू टोना आता है क्या? और ये मिठू, ये भी तेरा नाम ही रखता है। इतने दिनों तक इसे खिलाया पिलाया मैंने और आज। रुक जा, बताती हूँ बच्चों, आज से तेरा खाना पीना सब बंद। सुनो, नीचे जलसाघर की चाबी तुमने रखी है ना अपने पास? जी। और सुनो, हमारे जलसा घर को अच्छी तरह से साफ करके चकाचक कर देना। जी। और ये लो लिस्ट। हाँ। और ध्यान से सुनो, जो जो सामान मैंने इस लिस्ट में लिखा है वो तुम्हें ठीक से लाना पड़ेगा। ला पाओगे? जी। विलायती दुकान से। विलायती दुकान? हाँ जी। और ये हरी मिश्रा को। हाँ दीजिए। हरी मिश्रा को ये चिट्ठी दे देना। दे दूंगा, वो सारा काम एकदम ठीक से संभाल लेगा। अच्छा। और एक बात बोली, आज की महफिल में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। रह पाओगे? महफिल में? ये कोई कहने की बात है? बचपन से ही नौटंकी में भाग लेता आया हूँ, पता है। पहले मैं उस विश्व रंजन नाटक मंडली में राधा बन करता था। तुम्हें सारा काम एकदम ठीक से करना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। सुनो, आज रात को दरवाजा खुला रखना, मैं लौटूंगा। जानना नहीं चाहोगी क्यों? जानकर फायदा? ओहो, फिर तुम्हें पता है सारे दोस्त मेरे पीछे पड़ गए, इतना बड़ा केस जो जीता है हमने। और वैसे भी जलसा घर में ये चूहे और चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा नाच गाना हो जाए, बस इतना ही। बहुत महंगी तवायफ होगी, तो जलसा घर में जाने की तकलीफ तुमने क्यों उठाई? घर में ही ला सकते थे। समाज से डर गया लगता है। रज्जो, कोई समझे ना समझे, पर तुम तो समझती हो। क्यों मैं कोठों पे जाता हूँ, क्यों मैं शराब पीता हूँ, क्यों मैं कभी कभी अकेला छत पे बंदूक लेके घूमता हूँ? क्या तुम बिल्कुल नहीं समझती? तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। 10 साल पहले अगर तुम मुझे ये बात कहते तो शोभा देती, पर आज तुम्हारे मुंह पे ये बात शोभा नहीं देती। प्यार, प्यार के बारे में पता ही क्या है तुम्हें?
आज तुम सर से लेके पांव तक अपवित्र हो चुके हो। क्या कहा तुमने? मैं अपवित्र हो चुका हूँ। हाँ, फिर से कहना पड़ेगा? आईने में खुद को देख नहीं सकते? अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र। राजेश्वरी, छोड़ा मत, छोड़ा मुझे। तुम मुझसे नफरत करती हो? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या जवाब दोगे? बोल पाओगे? तुम नहीं खोट है, तुम ही कमजोर हो। दो अहंकार। क्या हुआ? और मारो, वरना साबित कैसे करोगे कि तुम मर्द हो? तमीजी की भी एक हद होती है। एक बांझ औरत अब इस घर में लक्ष्मी पूजा नहीं करेगी। भैया? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। जनार्दन, तुम बाहर जाओ, भैया से मुझे अकेले में बात करनी है। भैया, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। 2000? मैं अभी कहां से लाऊंगा? अरे, इस मुकदमे के पीछे सारे पैसे खर्च हो गए। परिवार में कितना खर्च बढ़ गया है इसकी तो कोई खबर नहीं रखता तू। जब आमदनी की खबर नहीं रखता हूँ तो खर्च की खबर क्यों रखूं? आप वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। ठीक है, जो मर्जी में आए कर ले तू, मैं ले इसमें कुछ लिखकर साइन कर दे। इतना लेखा जोखा मुझे पसंद नहीं। साइन मैंने कर दी है, जो जी में आए लिख लीजिए। कौन गा रही है? कोठे वाली, चाचा की महफिल जमी है। घर में? ये जमींदारों का घर है, ये मत भूलो। अच्छा, एक बार नाच के दिखाओ ना। दत्त, घर की बहू ऐसे नाचती है भला? हाँ, ये कहो कि नहीं आता तो भी रहने दो।
के घुंघरू बजा के छम छम, चोरी से चुरा लेगा कोई तेरा मन, कोई तेरा मन। पाँव के घुंघरू बजा के छम छम, चोरी से चुरा लेगा कोई तेरा मन, कोई तेरा मन। रहोगे मुझसे दूर जितने, पास आओगे तुम मेरे उतने। देखो 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 जरा प्यार से मुझे। नमस्ते भैया, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे घड़ी का कांटा वक्त से पीछे चल रहा हो। यहाँ शाम 4 बजे के बाद घर के लोगों का दोपहर की नींद लेने का समय होता है। जानते हैं, छोटी माँ बिल्कुल अकेली है और मेरी ननद को रोज पान का डब्बा पकड़ाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, और आपके दामाद उन्हें तो 3 महीने से एक नाटक के डायलॉग्स भी याद नहीं हो रहे। और हाँ, हमारे माली का बेटा गुंडा। यहाँ बगीचे में एक घर है जहाँ लक्ष्मी पूजा होती है। गुंडा कहता है वहाँ हर रोज एक उल्लू आता है और लक्ष्मी माँ वहाँ बंद है। और इसलिए हम बहुत अमीर हैं। उसकी बात सुनकर हंसू या रोऊं समझ नहीं आता। मनु, छोटी माँ कमरे में ही है। ले, ये सब जल्दी पहन ले। आज से लक्ष्मी जी की पूजा तू करेगी। मैं? क्यों छोटी माँ? मैं तो पुरानी हो गई हूँ। बैठ। इस घर में नई बहू ही लक्ष्मी पूजा करती है। वाह, बिल्कुल माँ लक्ष्मी लग रही है। छोटी माँ, क्या हुआ? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? बोल। सब कहते हैं इस घर में माँ लक्ष्मी कैद है, ये सच है क्या? झूठ। झूठ है? झूठ झूठ झूठ। 10 सालों से मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं थी, तो फिर क्यों मैं माँ नहीं बन पाई? बोल बोल ना। लक्ष्मी है? कभी कभी तो लगता है इस घर को आग लगाकर मैं नदी में कूद जाऊं। अरे क्या हुआ, अब चलिए क्या? आज पूजा करने का इरादा नहीं है? बड़ी माँ से कहिए हम आते हैं। ले ये पहन ले। पहन? ये पहन ले। छोटी माँ, ये मंदिर इतना दूर क्यों है? आओ बहू, आओ, प्रणाम करो, प्रणाम कर। इस दरवाजे के सामने रोज सुबह शाम आकर पूजा करके जाना, ठीक है? और सुन, दीपक जलाने के बाद हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का पाठ करना, समझी? छोटी बहू, आज तुम ही पाठ कर दो। ओम पाशा खमाली काम्भोज श्रीनी विर्जायो शोमयो पद्दाशना धायश्चो श्रियंग त्रिलक्क मातरम गौरबर्णं सुरूपांचो सर्वालंकार भूषितम रोक्म पद्म वैग्रकारं वरदां दक्षिणेन्तु।
ओं त्रैलक कपूजते देवी कमले विष्णु बल्लभे जथा तंक्षु स्थिरा कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मी चला भूति हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी दादशैतानी नमानी लक्ष्मी शंख पूज्य जह पठतु स्थिरा लक्ष्मी भवतस्य पुत्र पुत्राधि सह लक्ष्मी स्तत्र समाप्तम्। ओं नमस्ते सर्वदेवानं बरदाशी हरिप्रिये जागतिस्तक प्रापनन्यं शामे वत्त दर्चनत् ओं विश्वरूपस्य वर्जासी पद्दे पद्दालय शुवे सर्वत्र पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। जब तक इस कमरे का दरवाजा बंद रहेगा तब तक मां लक्ष्मी इस कमरे में बंदी हैं। जानती हो मेरी सासू माँ ने मां लक्ष्मी को इस कमरे में बंदी बनाकर रखा हुआ है। हमेशा के लिए मां लक्ष्मी इस कमरे में कैद हैं। इन्होंने मां लक्ष्मी को इस घर में कैद किया है। इनके गुजर जाने के बाद बड़े बाबू की जो तबीयत खराब हुई तब तो वो सिर्फ 6 साल के थे। दादी से बहुत लगाव था और दादी भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। ए लक्ष्मी को कैद नहीं करेगी तो और कौन करेगा। माँ लक्ष्मी को कैद किया जा सकता है? नहीं कर सकते तो फिर तुम कैसे हो गई? मैं किसी कैद में नहीं हूँ। और पैसे, अब फिर से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है और ये फौजदारी का मामला इतने दिन चलेगा मुझे तो पता ही नहीं था। अभी और भी कुछ गवाहों की जरूरत है और इधर वकील बाबू की भी बकाया फीस है। कितने चाहिए जी? अभी 6-7 हजार रुपए तो लगेंगे ही। लो कर लो बात, इतने सारे पैसे अभी। ठीक है तुम सुंदरलाल से ले आओ। सुंदरलाल? सुंदरलाल से तो हमने पहले ही 2 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। तो उससे क्या हुआ? वो क्या हमें बिना ब्याज के उधार दे रहा है? हमारे ब्याज के पैसे ही हमें उधार दे रहा है। उसे जाकर मेरे बारे में कहना। ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन ब्याज चुकाने की बात कर रहे हो तो उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे भाई ये मुकदमा हम जीत गए तो हमारे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। पता है जनार्दन, आज 3 पुश्तों से मां लक्ष्मी हमारे घर में कैद है। पैसों के लिए किसी भी तरह की बड़ी तकलीफ का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तुम देख लेना। गुंडा गुंडा कहाँ गया तू? सुनिए ना सुनिए। क्यों? इधर आइए सुनिए। कान लगा कर सुनिए ना, अंदर ना मां लक्ष्मी है। सुनाई दे रहा है? अंदर उल्लू है, कोई घुमरू पहन के चल रहा है। सुनिए चलिए जल्दी से सो जाइए। नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? सोने को कहा ना मैंने? मैं क्या बच्चा हूँ, सोने कहोगी तो सो जाऊंगा। ठीक है फिर कल से मैं नहीं आऊंगी। ठीक है नहीं आना मत आना, मैं अब सोऊंगा। ये लाया, ये ठीक है, ये अरे ओ हरी सुनो सुनो, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा। ओ मौसी क्या चाहिए? अफीम आज नहीं होगी, आज नहीं होगी। पान वो भी नहीं, नहीं, वो भी नहीं, नहीं। ओ जर्दा एक डिब्बा तो उस दिन दिया ना, खत्म तो नहीं होना चाहिए। अरे ये सब किसे चाहिए? तो फिर क्या? एक बार देखो बड़े साहब के कमरे में क्या हो रहा क्या? है इश, कितनी धूल है यहाँ, सब कुछ बिखेर कर रखा है। क्या कर रही हो?
छोड़ दो छोड़ दो, अरे छोड़ दो, ये सब कार्तिक का काम है, छोड़ दो, हटिए यहाँ से आप। मनु कितनी गंदगी है, कितनी धूल साफ करोगी। कपड़े बदल लीजिए। नहीं मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। बदल लीजिए। अरे थोड़ा सेंट मार देना। मैं नए कपड़े लाया हूँ, आप बदल लीजिए। बदलने होंगे कपड़े, बदल लीजिए। कहा था ना, बिल्कुल माँ लक्ष्मी, ये माँ लक्ष्मी ही इस गंदे से महल की खूबसूरती लौटाएगी, तुम देख लेना, देख लेना तुम। जानती हो मन्नू, बचपन में मैं भी बहुत बड़ा भुक्कड़ था। तब लक्ष्मी पूजा किसी और कमरे में होती थी। उस समय दादी माँ के पीछे पीछे घूमता, प्रसाद लेता, इधर आता, फिर खाता, फिर दादी माँ के पीछे जाता, फिर प्रसाद लेता, फिर खाता। जानती हो मन्नू, उस पर पूजा में पता नहीं क्या हो गया, मेरे पूरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, सब धुंधला सा। उसके बाद फिर धुआं, फिर मेरा सर दर्द करने लगा। फिर मैं ताऊ जी, ताऊ जी, वो जो मेरे ससुर थे ना, वो क्या नाम था उनका, नाम नहीं लेते, तू बता ना। अरे कान्हा जिनके कपड़े चुराया करते थे, उनका नाम गोपी। हाँ हाँ, वही बल्लभ राय। हाँ, बहुत बहुत शक्तिशाली थे, हिम्मत भी बहुत थी। मेरे ससुर जी कभी किसी से नहीं डरते थे। हाँ, गुस्सा भी बहुत आता था, बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत रसिया थे, समझी। हस मत, सुन, उन्होंने अपनी 60 साल की उम्र में तीसरी बार शादी रचाई थी, और वो तीसरी पत्नी थी मेरी सास। आहा, कितनी सुंदर थी वो लक्ष्मी का और एक नाम बता ना, कमला। हाँ हाँ, आहा, जैसा रूप वैसा ही गुण। पहली पत्नी कुछ खास नहीं थी, और दूसरी वाली फूलों की माला, और तीसरी वाली ये देख, हरी नाम की पोटली हमेशा गले में लटकी रहती थी। चल, हंस क्यों रही है तू? अच्छा सुन, इस घर के मर्द ना बहुत रसिया हैं, सब मनमौजी हैं। हाँ, तभी कहती हूँ, वो तो अपने पति को, हाँ अपने पति को ना एकदम ऐसे पकड़ के, एकदम ऐसे खींच के रखना, समझी। आप माँ लक्ष्मी के बारे में बताइए। मेरे ससुर जी के मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरी सास के नाम कर दी। मेरी सास ने फिर
सारी जिम्मेदारी हमारे मुंशी जी कृति घोष को दे दी। उस वक्त हमारे घर में धन संपत्ति का अंबार लगा हुआ था। तब मुंशी जी ही अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगे। उनके ऊपर किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही हमारे दिन बीतते गए। मझला बेटा तब मेरी गोद में था। बड़े की उम्र 6-7 साल की होगी। दुर्गा पूजा का दिन था। मुंशी जी, हाँ? मैंने आपसे जो कहा था आपने उस पर गौर किया? हाँ, पर कुछ कर नहीं सकते। मुंशी जी, तो फिर यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ, रानी माँ के हुक्म के बिना मैं ये चाबी किसी को नहीं दे सकता। और मेरा हुक्म? आप ये बात भूल मत जाइए कि आप मेरे लिए काम करते हैं। आपका नहीं, रानी माँ का। उनके हुक्म के बिना मैं किसी और को हुक्म मान नहीं सकता। लेकिन इस जायदाद का इकलौता मालिक मैं हूँ। जब तक रानी माँ जिंदा हैं, सारी संपत्ति रानी माँ की है। आप इस जमींदारी के कुछ भी नहीं हैं। इसका अंजाम जानते हैं? जानने की जरूरत भी नहीं। आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए, दिमाग गरम मत कीजिए। इस जमींदारी की दो पुश्तों से मैं देखभाल कर रहा हूं। मेरा नाम शिव हरि है। बेटा, अभी मुझे छूना मत। मैं पूजा का काम कर रही हूँ ना। पिछली बार कुंभ के मेले से मैंने इस पागल को दूरबीन ला कर दी थी। पता है, रात को सोते वक्त भी गले में लटका के रखता है। देवी पूजा में शत्रु की बलि ही देते हैं। तुम्हारे दादा ससुर यानी मेरे पति खून नहीं करते तो उन्हें संपत्ति नहीं मिलती। उस घटना के बाद मेरी सास जोगन बन गई। दीपक जलाकर अकेले बैठी रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। उसके बाद आई लक्ष्मी पूजा की रात, कोजागरी पूर्णिमा। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अचानक फिर आसमान में बादल छा गए। बिजली और बारिश से पूर्णिमा की रात भयंकर हो उठी।
उसी वक्त दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आई। तुम कौन हो बेटी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, तुम अंदर आओ, बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बेटी, आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ। देखकर पहचानने में गलती नहीं हुई, वो स्वयं माँ लक्ष्मी थी। पूजागरी की रात में माँ लक्ष्मी दरवाजे दरवाजे पर घूमती रहती हैं और बोलती हैं, कौन जग रहा है, कौन जगा हुआ है, कौन जगा हुआ है? दूंगी, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊँ तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। उसी दिन से हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी यहाँ बंद हैं। पता है, आज मैंने कमाल कर दिया। आज मैंने ऐसी एक्टिंग की ना कि डायरेक्टर से लेकर ऑडियंस तक सबने कहा, हाँ एक्टर हो तो ऐसा हो। क्या बात है, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अच्छा, तुम्हारे दादाजी ने संपत्ति के लिए खून किया था? हाँ किया था, जमींदारों के घर पे ये सब होता रहता है। ये सब होता रहता है, फिर भी माँ लक्ष्मी इस घर में रहना चाहती है? हाँ रहना चाहती है, बाप दादा के जमाने से ये सुनता आ रहा हूँ और सारे लोग इस पे भरोसा भी करते हैं और मैं भी करता हूँ और तुम भी करोगी। खैर, आज डायरेक्टर ने क्या कहा पता है? कि मैंने देवदास में चार चांद लगा दिए। सारी लड़कियां एकदम पारो बन गई थी, लेकिन उस चंद्रमुखी ने पूरा डुबा दिया। अपने डायलॉग भूल जाती और मेरी तरफ देखती, मैं उसका प्रॉम्प्टर तो नहीं। आखिरकार रोते हुए उसने अपना सीन खत्म किया, मैं था इसलिए बच गई वो। सच में माँ लक्ष्मी उस कमरे में बंद है? तुम ये बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो, अजीब बात है। नहीं नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझने की कोई बात नहीं, तुम घर की बहू हो, तुम अपना मन घर के कामों में लगाओ। क्यों, इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं हो सकता?
काम? कितने तरह के काम होते हो तुम जानती हो? बचपन से मैंने इस घर में बस एक ही काम सीखा है और वो है हुकुम देना। हुकुम? क्या कहा? मुकदमा हम हार गए? नहीं, राय परिवार के मर्द इतनी जल्दी हार नहीं मानते। हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो मकान गिरवी रखेंगे। इसके लिए तो माँ जी की इजाजत की जरूरत होगी, घर तो उन्हीं के नाम पे है। अरे एक साइन की ही तो जरूरत है, वो मैं कर दूंगा। अब तुम जाओ, बंदोबस्त करो, जाओ। अरे तू क्यों मेरे पैरों को हाथ लगा रही है? तो क्या हुआ, आप बड़ी है ना। ये देखो, भांग पिलाने हरी काका आ गए। मैं चलती हूँ दीदी। बहुत बोलने लगी है तू, जा यहाँ से कल मोही। सुन, भांग है, पिएगी थोड़ा? नहीं। डर लग रहा है? पहले पहले तो मुझे भी डर लगता था, बाद में देखा कुछ भी नहीं होता। क्या फायदा है दीदी ये सब पीने का? रंजू तुझसे बहुत प्यार करता है ना? गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार उसे मैं करती। गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार उसे।
सब भूल के प्यार से मैं करती। बेटे रंजू सुन, तू एक बार बेलगांव जाएगा बीना के पति को समझा बुझा कर। ठीक है। अरे सुन ना, जाएगा ना? हाँ। अब मुझसे बीना का दुख देखा नहीं जाता तो दामाद जी को कैसे भी करके लेकर आ। ठीक है, आज रिहर्सल से वापस आने दो, उसके बाद। ए गुंडा, इधर आ, तेरे हाथ में क्या है? अमरूद। क्या? अमरूद। ये कौन खाएगा? मनुमा। मनुमा के लिए? और मेरे लिए नहीं? ये वाला लीजिए। नहीं मैं ये लूंगा, ये नहीं मैं ये लूंगा, मैं पहले वाला ही लूंगा। जा। नमस्ते भैया, इस घर में आकर ऐसा लगता है मैं पहले जैसी नहीं रही। विश्वास कीजिए, आधी रात को माँ लक्ष्मी के कमरे से पता नहीं कौन कौन मुझे आवाज देता है। पता नहीं कौन रो रो कर सारी रात कहता है दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। रात होते ही एक अजीब सा डर मुझे सताने लगता है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं भैया? क्या हुआ भैया? हाँ, अदालत का परवाना। किस लिए? चौधरी के मॉर्गेज के पेमेंट की दो किस्तें बाकी पड़ी थी, इसीलिए। उन लोगों की ये मजाल जो अदालत तक पहुंच गए, दिखाइए। अरे तू लेकर क्यों आ गई? बैठ बैठ बैठ। अच्छा, तूने क्या रंजू से पूछा था कि लक्ष्मी को कैद किया जा सकता है कि नहीं? मतलब नहीं, मैं सुन, इन सब मामलों में कभी शक नहीं किया जाता, जानती है ना? नास्तिक लोगों को कभी माँ लक्ष्मी माफ नहीं करती, और हमारी लक्ष्मी बहुत जागृत है। आज तक जिन लोगों ने भी शक किया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। क्या कहा? हाँ सुन, मेरा मझला बेटा, मतलब तेरे ससुर जी, विलायत से लौटने के बाद पूरा नास्तिक बन गया था, कुछ भी नहीं मानता था, लक्ष्मी को लेकर कितना हंसी मजाक करता था। उसके बाद एक दिन माँ लक्ष्मी के कमरे के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई मिली। बोलते ही मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तू कभी नास्तिक मत बन जाना। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ। मैं जरा जल्दी में हूं, जो कहना है जल्दी कहिए। ये बात मैंने किसी से नहीं कही, और कहूं भी तो किससे?
कैसी बात? लेकिन तुझे कहना जरूरी लग रहा है। उस मॉर्टगेज के मामले में हम हार गए हैं, अदालत से डिक्री हो गई है। इसका मतलब घर बिक जाएगा? हाँ, पैसे नहीं दे पाने पर शायद वही। वाह, और आप पर सब कुछ छोड़कर हम लोग बेफिक्र बैठे थे। अब मैं और क्या कहूँ, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। सुनो, क्या? मैंने सुना है इस घर में जो लोग माँ लक्ष्मी पर विश्वास नहीं करते उनकी अचानक मौत हो जाती है। हाँ होती है ना, मेरे पिताजी मारे गए थे लक्ष्मी के मंदिर में अचानक। वो कुछ मानते वानते नहीं थे। एक बार एक चोर की लाश मिली थी मंदिर के सामने। हो सकता है लक्ष्मी के मंदिर में कुछ चोरी वोरी करने आया था। देखना, तुम आजकल लक्ष्मी की पूजा कर रही हो, पूजा में कोई खोट मत रखना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये क्या तुम्हारी आंखों के नीचे गट्ठे, तुम दुबली होती जा रही हो, क्या हुआ तुम्हें? सोने में इतनी मिलावट क्यों है? मिलावट के बिना सोना चमकेगा? खाद तो देनी ही पड़ती है। सुनो ना माँ, इसका डिजाइन कितना पुराना लग रहा है ना। लो और गहने बनवाओ। गहने बनवा रही है, गहने। घर का सर्वनाश हो रहा है और गहने बनवा रही है। जाना जाकर देखा क्या हुआ है। अरे हुआ क्या? होने में और बाकी क्या रह गया है। मकान क्रुक हो जाएगा, रस्ते पर आ जाएंगे हम लोग। रस्ते पे तो आएंगे आप। अरे मामला क्या सिर्फ अपने लिए किया था, जो हार जाने पर मैं जवाबदेही करूंगा। जाओ जाओ, गहने बनवा रही है। तुम सब स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हारा चेहरा देखना तक मुझे गवारा नहीं। खबरदार, हमारे गहनों को हाथ मत लगाना। जब से वो नई बहू आई है हमारे घर में मनु से अच्छा गई है। क्या कह रही हो माँ, खामखा मनु को दोष क्यों दे रही हो? तो रुक जा, इतने सारे पैसे खर्च करके तेरी शादी करवाई और साल फिरने से पहले वापस आकर यहाँ पर ऐश कर रही है। निकल जाओ यहाँ से। गहने बना रहा है, दोबारा इस घर में दिखना भी मत। हुआ है तुझे? क्यों मुझे ही हमेशा इतनी बेइज्जती क्यों सहनी होगी? मैं सिर्फ बैठ बैठ के आप लोगों का निवाला खाती हूँ, आप लोगों के पैसे पर ऐश कर रही हूँ। इतने अच्छे अच्छे गहने तो दिए, लेकिन मेरे लिए अच्छा लड़का क्यों नहीं ढूंढा? सुनना, रो मत, ऐसे रोते नहीं। तुम लोग तो इस घर की बहू हो और मैं बेटी होकर शादी के बाद भी इस घर में पड़ी हुई हूँ। कैसे समझोगी मेरे दर्द को? ससुराल, शराबी पति रात को लात मारकर कमरे से निकाल देता था, बर्दाश्त किया मैंने। मेरे शरीर को जली हुई सिगरेट से जलाया करता था, वो भी बर्दाश्त किया। घर में पराई औरतों को लाकर मेरे सारे गहने दे दिए, वो भी बर्दाश्त किया। मेरी कोख में पल रहे बच्चे को लात मारकर मार डाला। बोलो ये मैं कैसे बर्दाश्त करती? बोलो मैं कैसे बर्दाश्त करती? बोलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ चाची, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मात्रो, क्या हुआ चाची, बोलो। क्या हुआ बोलो, इतनी बातें करती हो और अब चुपचाप खड़े हो, बोलो। ठीक है, मेरे लिए किसी को कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं। सुन,
तुझे इतना विश्वास है? अच्छा, अगर मैं भी तेरी तरह रोज रोज लक्ष्मी माँ की पूजा करूँ तो तेरी तरह खुश हो पाऊंगी? खुश? खुशी तो तेरे पास तो सब है, और मेरे पास क्या है बता? मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रही है दीदी? जिंदगी में दुख आते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। चलिए घर चलिए, तू जा, मुझे जरा अकेला छोड़ दे। लगता है कोई पागल कुत्ता भौंक रहा है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना, दरवाजा खोलिए। कौन? मनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, तुम यहाँ मत रहो, यहाँ सिर्फ रोने की आवाज आती है। कोई दिन भर रोता रहता है, सिर्फ रोना और चीखना। नहीं मनु, तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ मत रहो मनु, तुम यहाँ मत आना, कभी मत आना, चली जाओ मनु, चली जाओ, चली जाओ। गई थी? क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? महालक्ष्मी के मंदिर में। इतनी रात को वहां क्यों गई थी? नहीं जानती। नहीं जानती मतलब? मेरे उम्र की एक लड़की थी, रो रही थी,
लक्ष्मी के मंदिर में उसने मुझे आवाज लगाई। विश्वास करो, मुझे क्या हो रहा है बोलो। पूरे दिन उल्टा सीधा सोचकर अपना दिमाग खराब करती हो और मेरी नींद औरतों को सर पे चढ़ाया कि बस। अब सो जाओ, अब से रात को कभी बाहर मत निकलना। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जानती हूँ माँ, तालाब के पानी में मैं अपना चेहरा देख रहा था। अचानक उसमें दादी माँ का चेहरा दिखने लगा, एकदम धुंधला, साफ नहीं दिख रहा था। जानती हूँ माँ, मैंने देखा दादी माँ एकदम डरी हुई लग रही थी। शाम हो गई है, कमरे में जाओ। पता है माँ, जब भी कभी तालाब के किनारे बैठता हूँ बहुत सारे पुराने चेहरे सामने आ जाते हैं। सब धुआं धुआं, बिल्कुल धुंधला सा। इन कीड़े मकोड़ों को खाने के चक्कर में मछलियां तालाब को खराब कर देती है, खराब। अच्छा माँ, तुम इस तालाब को साफ क्यों नहीं करवाती हो? अच्छा करवाऊंगी। नहीं, मैं जानता हूँ तुम साफ नहीं करवाओगी। तू जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम गंदगी साफ नहीं करवाना चाहती हो। वो जो घर में नई बहू आई है, मनु, मनु, मनु गंदगी साफ करना चाहती है। हाँ, मनु गंदगी साफ करना चाहती है, लेकिन वो तो कर नहीं पाएगी। पर अकेले नहीं, मनु अकेले गंदगी नहीं साफ कर पाएगी, उसके लिए ना मुमकिन है। इतना बड़ा घर, इतनी सारी गंदगी पड़ी है, ये अकेले कैसे कर पाएगी? राय बाबू, आप तो समझ ही रहे हैं, मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। आप लोगों के आने का कारण मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हम भी कब तक इंतजार करें बताइए? नहीं दूंगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, वक्त आने पर मिल जाएगा। कब तक देंगे राय बाबू, घर बार तो सब गया। जुबान संभाल कर दत्त, छोटा मुंह से बड़ी बात सुनने की आदत मुझे नहीं है। कुछ गलत मत समझिएगा राय बाबू, इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जबान सवाल के बात कीजिए। पहले हमारा कर्ज चुका दीजिए, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा। घोष बाबू, उम्मीद करता हूँ बुरा कुछ करने के लिए मुझे मजबूर नहीं करेंगे। हमारा कर्ज चुका दीजिए तो सारा मामला अपने आप शांत हो जाएगा राय बाबू। जिस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं बंद है वहाँ तो पैसों की बारिश होनी चाहिए राय बाबू। अरे सब दिखावा है, दिखावा, अब समझ में आ रहा है, सब दिखावा है। जबान संभाल कर दत्त, छोटे मुँह से बड़ी बात सुनने की आदत मुझे नहीं है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मार मार के जबान खींच लूंगा। दरवान, दरवान। ठीक है, हम चलते हैं। यह आपने अच्छा नहीं किया राय बाबू, बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए आप लोग, हम लोग अदालत तक जाएंगे। घर से बेघर करके ही मानेंगे, निकाल देंगे ये जमींदारी। सालों से कर्ज चुका नहीं पा रहे, बड़ी बड़ी बातें, जमींदारी, बड़े बाप का बेटा। घर की कुर्की, इतने दिन से क्या कर रहा था? चुप क्यों बैठा है, मेरे सवालों का जवाब दे। अपील में हम हार जाएंगे ये मैंने ये नहीं सोचा था। कचहरी में बैठकर क्या नौटंकी ही देखते रहते हो? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। 10 दिनों के अंदर रुपए का इंतजाम करो, इतना बड़ा घर उस सूद को और कसाई को ऐसे ही तो नहीं दे सकती। मैं ही करूंगा जब मुझ पर ही जिम्मेदारी है, और ये जो मौज मस्ती करके लाखों रुपए खर्च कर रहा है उसका क्या? उसके बदले आपने तो साइन भी करवाई थी। चुप रहो, छोटा तो आवारा है ही, पर तू भी कुछ कम नहीं, तेरे बारे में भी कुछ जानना बाकी नहीं है। जैसे भी हो रुपयों का इंतजाम करो, नहीं तो जाके कहीं सब डूब मरो। अरे माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है, वो लक्ष्मी का कमरा खोल दो ना, उसी में सब कुछ है। वहाँ से हमें पैसे मिलते ही
हम सबका कर्ज भी चुका देंगे। छोटे नहीं 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 नहीं। बड़े तू जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है मंदिर से चुरा कर प्रसाद तू अकेले अकेले खाएगा? जानती हो माँ, मुझे पता है वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं। रुक, मैं अभी तेरी पागलपन दूर करता हूँ। चुप। क्या हो रहा है? मुझे डांटता है। जानती हो माँ, तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे को लगता है इसे सब पता है। अरे दिमाग पर जोर डाल के देख, मुझे इस घर के बारे में सब पता है। गला कहीं का। ये जब कह ही रहा है माँ, तब लक्ष्मी का कमरा एक बार खोलकर देख लेते हैं। खबरदार, उस दरवाजे पर हाथ लगाया तो बेदखल कर दूंगी। अगर दोबारा ये बात कही तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। 10 दिन का समय है तेरे पास, याद रखना। तिजोरी की चाबी दो। सारे गहने कहाँ हैं? कहाँ है? मुझसे कीमती तवायफ जहाँ है सब वही है। माँ कुछ समझती नहीं है, सिर्फ चिल्लाती रहती है। कहाँ से ले आओ इतने पैसे? पता नहीं अब मैं कहाँ से क्या। मेरे गहने मैं नहीं देंगी आपको। तुम छोड़ो। ये मैं माँ कैसे लेकर आई हूँ? मैं कैसे गहने लेकर आई है? मेरे गहने। हम लोग रास्ते पर आने वाले हैं और नहीं दूंगी। छोड़िए। दिमाग खराब कर दिया। हमारी माँ लक्ष्मी कभी कभी दर्शन देती है, जिसे दर्शन देती है वो कभी जिंदा नहीं बचता। पंडित जी का बेटा एक दिन आधी रात को वहां गया था। सवेरे के समय माँ लक्ष्मी ने दोनों हाथों से भरकर उसे संपत्ति दे दी, लेकिन नास्तिकों को वो कभी माफ नहीं करती। माफ नहीं करती। दरवाजा खोलिए। रुक जाओ। क्यों 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 तुमने ताले को हाथ लगाया? क्यों हाथ लगाया तुम्हें पता नहीं है? इस ताले को छूने से इस घर का सर्वनाश हो सकता है। इस घर का मान मर्यादा गौरव, इसका कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजरों में। आज अगर मेरे पति जिंदा रहते, तुम्हारे दोनों हाथों को खंभों से बांधकर कुत्तों से नचवाते। तू इस घर के लिए काल है, कुलक्षणी है। तेरी तरफ देखना भी पाप है। कल से मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। निकल जा, चली जा यहाँ से, चली जा, निकल जा, मैं कह रही हूँ, निकल जा। कौन है वहाँ? कौन है? कुछ कहती क्यों नहीं? ओ,
छोटी बहू, कौन रो रहा था? हाँ, तुमने सुना नहीं? कितनी तेज रोने की आवाज आ रही थी कहीं से। कौन कौन रोता है यहाँ? कौन? मैं खुद देखकर आता हूं। आज ही निकाल दूंगी, आज ही उसे निकाल दूंगी। हाँ दादी, आज ही निकालना होगा। दादी हाँ, आपने मुझे बुलाया? सुनो, तुम्हारी पत्नी कुलक्षिणी है, तुम्हारी कुलक्षिणी पत्नी को हमारे इस घर से निकालना होगा। रो मत मन्नू, रो मत। उन लोगों की वजह से तू इतना मत रो। वो लोग निकाल देंगे तो चली जाएगी। नहीं, ये तेरा भी घर है। क्या सिर्फ रोते रहेंगी? मैंने सोचा था तू अलग है, तू भी सिर्फ रोएगी। मैं क्या कर सकती हूँ छोटी माँ? तू क्या करेगी ये मुझसे पूछ रही है? मैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खत्म कर सकती हूँ बस, पर तू तो मुझसे बहुत अलग है। उठ, अपने आंसुओं को पोछ। मणिमाला ने क्या गलती की है जो उसे इस घर से जाना पड़ेगा? अब तुम मेरे से सवाल जवाब करोगी? नहीं, सिर्फ जानना चाहती हूँ उस लड़की की गलती क्या है। वाह, बहुत खूब, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, मैं अपने काम के लिए किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। पता है, अगर जवाब मांगना होता तो बहुत पहले मांग सकती थी। कभी मांगा है? जवाब मांग रही हो, वो भी मुझसे? किस बात का जवाब? वो सब बहुत पुरानी बातें हैं, कहने में भी मुझे शर्म आती है। बोलो, तुम्हें कहना ही होगा, क्या जवाब चाहिए? आपने जानबूझकर अपने बीमार बेटे के साथ मेरी शादी नहीं करवाई? मैं पांच हूँ ये इल्जाम लगाकर मुझसे पूजा करने का हक भी छीन लिया आपके बेटे ने। मैंने आप लोगों का बहुत अत्याचार सहा है, कभी उसका विरोध नहीं किया। आज वो छोटी सी लड़की, एक साल भी नहीं हुआ है शादी को, उसकी जिंदगी बर्बाद में नहीं होने दूंगी। उसने क्या गलती की है? मंदिर के ताले को उसने छुआ था, क्या वो इतना बड़ा अपराध है जिसके लिए आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी? क्या दिया है आपकी लक्ष्मी ने आपको? इतने सालों से पूरी भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ हमने उनसे कितना कुछ मांगा है, सुना है उसने? नहीं नहीं, वो है ही नहीं। सुनो, तुम्हारी बहुत बकवास मैंने सहन कर ली। तुम महामूर्ख हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने खड़ी होकर क्या कह रही हो। अगर आज से 20 साल पहले ऐसा होता तो तुम्हें खंबे से बांध कर, पता है, खंबे से बांध कर कुत्तों को खिलाती। वही कीजिए मेरे साथ, वही कीजिए। सिर्फ उसे छोड़ दीजिए, उसे जीने दीजिए। अब समझ में आ रहा है क्यों रायवंश की ऐसी दुर्दशा है, क्यों क्यों रायवंश बर्बाद होने वाला है। तुम सारे नास्तिक हो, तुम लोगों के पाप ने इस घर की हवा में जहर घोल दिया है। नहीं माँ, हमारा पाप नहीं, हमारी आंखों के आंसू अब इस घर में सैलाब लाएंगे। आपके भरोसे का कोई वजूद नहीं है, अब वो टूटेगा। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ। तीन पुश्तों से तुम लोगों ने क्या किया है?
सिर्फ खाना पीना, नौटंकी, थिएटर, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। दिन भर सोना, मस्ती और हर वक्त लोगों पर जुल्म करना, सिर्फ हुक्म करना, इतना किस बात का घमंड है तुम लोगों को? तुम सब आलसी हो, निकम्मे हो, कठोर हो, खुदगर्ज हो। तुम लोग नहीं जानते, लक्ष्मी बांधने से नहीं, अपने कर्मों से मिलती है। तीन पुश्तों की जमींदारी क्यों, किस कारण से इस तरह से बर्बाद हो गई है, कभी सोचा भी है तुमने? आज मुसीबत में हो तो मैं जिम्मेदार हो गई। मुझे कुलक्षणी कहकर खुद को सही साबित करना चाहते हो, लेकिन एक बार भी सोचकर देखा क्यों तुम लोगों की जमींदारी इस तरह से बर्बाद हो रही है? तुम लोग अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो, तुम लोग अंधे हो। चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम कल ही ये घर छोड़कर चली जाना। मुझे घर से निकाल रहे हो तुम? मेरे चले जाने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी लौट आएगी? हाँ हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जैसी औरत को हमारे घर पे नहीं रख सकते। ठीक है, कल क्यों, मैं आज ही चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले अपनी आखिरी बात कहकर जाऊंगी। तुम लोगों को देखती हूँ तो मुझे दया आती है, दया। बताओ क्या किया है मैंने, बताओ क्या किया है मैंने, बताओ क्या किया है मैंने? इस घर का नियम तोड़ने की सजा जानती हो? मौत। हाँ, मौत। मेरे मरने से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो मैं हजार बार मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मेरे मरने से कुछ ठीक नहीं होगा। पता है तुम अंधी हो, इसीलिए सिर्फ कंकाल ही देखा तुमने, लक्ष्मी को नहीं देख पाई। पिछले 50 सालों से लक्ष्मी यहाँ बंदी है, राय वंश को संभाला है उन्होंने। 50 सालों से माँ लक्ष्मी यहाँ बंदी है, राय वंश को उन्होंने संभाल कर रखा है, और आज तुम इसे झूठा झूठा साबित कर रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी तुम्हें, यहाँ मैं मार के जिंदगी भर के लिए यही कैद कर दूंगी। रावण को बात करना चाहती सजा मैं तुझे।
सारी जिंदगी अब तो यहाँ कैद रहे। कैद, कोई तुझे खोलने नहीं आएगा। फिर से खून कर रही हो माँ? हट जा, मैं कह रहा हूँ। तुमने दादी माँ का खून किया था, तुम्हें और खून करने नहीं दूंगा। मनु, मजली बहू, छोटी बहू कहाँ है आप लोग? क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया, आप लोग जल्दी चलिए। अरे चलो चलो, क्या हुआ? चलिए चलिए जल्दी चलिए। ये दरवाजा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो हटो हटो सब हटो हटो सब मजे लेने आए हैं। चलो हटो, चलो जाओ यहाँ से, जा जा हट। बेटा अभी मुझे छूना मत, मैं पूजा का काम कर रही हूँ ना। पिछली बार कुंभ के मेले से मैंने इस पागल को दूरबीन ला कर दी थी। पता है रात को सोते वक्त भी गले में लटका के रखता है। तुम लोग कोई कुछ नहीं जानते हो, तुम लोग कोई कुछ नहीं जानते हो, जानती है सिर्फ माँ। मैं उस समय बहुत छोटा था। दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ। तुमने शिवहरी का खून करते हुए तुमने मुझे देखा था। शिवहरी का खून मैंने किया है, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार दूंगा। मुझे छोड़, मुझे क्या कर रहा है तू? तू अपनी माँ को मारना चाहता है? अब से इस जायदाद का मालिक सिर्फ मैं हूँ। अब पूरी जिंदगी तुम इस कमरे में बंद रहना। चलो मुझे, चलो मेरे साथ। तुमने यहाँ किसे बंद किया? चुप। नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप में तुम्हें। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो जिंदगी भर अपना मुंह बंद रखना। आज लक्ष्मी पूजा की रात है और कल तुम ये सबको बताओगी कि देवी लक्ष्मी खुद आई थी और उन्हें इस कमरे में बंद करके माँ गंगा में कूद गई। इस बंद कमरे का दरवाजा आज के बाद कभी भी नहीं खुलेगा। हाँ, खून खून। आज से इस जायदाद का इकलौता मालिक सिर्फ मैं हूँ। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। दादी माँ, दादी माँ। हाँ माँ, माँ भी तो उस समय वही थी। हाँ माँ थी वहाँ। हाँ माँ भी वहाँ उस समय थी। Oh, my God.
मन्नू, मन्नू, मन्नू मत जाओ। मन्नू, अगर इंसान गलती करे तो उसे माफ कर देते हैं, क्यों जा रही हो? हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मन्नू। मन्नू, मन्नू मुझसे गलती हो गई, एक बार मुझे मौका दो। तुम्हें मौका देने के लिए मैं अपनी नजरों में नहीं गिर सकती। मनुमा, तू चली जाएगी? इतना बड़ा एक काम करके आज यहाँ से चली जाएगी? हाँ छोटी माँ, आज से मैं सिर्फ अपने मन की सुनना चाहती हूँ। मुझसे ये अधिकार मत छीने छोटी माँ। ठीक है, हमें छोड़कर जाना चाहती है, चली जा, लेकिन अपने आप से क्या तू भाग पाएगी? गुनाह करना जितनी बड़ी गलती है, गुनहगार को माफ ना करना वो भी किसी गलती से कम नहीं है। अरे मन्नू, जिंदगी में सब कुछ है, सुख दुख खुशी गम, इसी का नाम तो जिंदगी है। इनमें से एक भी कम हो जाए तो दूसरे का मजा नहीं आता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ कोई बंधन नहीं, प्यार ही तो बंधन है। मुन्ना इसे बता। मनुमा, अब मत जाइए। मनुमा, अब मत जाइए। मनुमा, अब मत जाइए। आप बहुत अच्छी हैं मनुमा, आप बहुत अच्छी हैं। हम लोग फिर से छुपन छुपाई खेलेंगे। मनुमा, आप नहीं जाएंगी ना?